अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बिस्टान में गोवंश की तस्करी के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने वाहनों को राजसात करने की कार्रवाई। शनिवार को आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। गोवंश की तस्करी के मामले में बिस्टान पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है और जब्त वाहनों को राजसात करने की कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी संजय द्विवेदी ने बताया कि शुक्रवार को एक ट्राले में 3,10,000 रुपए कीमत के गोवंश भरकर महाराष्ट्र की ओर ले जा रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चित्तौड़गढ़ भुसावल मार्ग के 5 पेड़िया गारी कलतार से इनको जब्त किया गया। गोवंश के साथ 18 लाख रुपए का एक ट्राला और 7 लाख रुपए की बोलेरो वाहन के साथ आरोपी इमरान पिता मोहम्मद 32 वर्ष निवासी न्यायवड़ा नाहरगढ़, महफूज पिता मुबारक मंसूरी 23 वर्ष मंसूर, शाहिद पिता मोहम्मद रफीक 37 वर्ष, निहाजो पिता कादिर 26 वर्ष मुल्तानपुरा, अजमत पिता नसरत उम्र 22 वर्ष नंदन नगर इंदौर, न्याजो पिता शकूर न्यारा 33 वर्ष मंसूर को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर भीकनगांव एसडीओपी पुलिस विजय प्रताप सिंह ने बताया कि गोवंश की तस्करी को रोकने के लिए प्रयासरत है, आगे भी ये मुहिम जारी रहेगी। गोवंश की तस्करी के मामले में खरीदने और बेचने वाले दोनों को आरोपी बनाया जाएगा। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर शनिवार को न्यायालय में पेश किया है। उसमें कुल 62 मवेशी थे और गाड़ी रोकने के दौरान गाड़ी जो है उसने भगाने का प्रयास किया, पुलिस ने पीछा करके गाड़ी को पकड़ा है तो भागने के चक्कर में उसने तेजी से गाड़ी भगाई जिससे कारण कुछ मवेशी उसमें मृत भी 6 मवेशी मर गए थे। तो सभी आरोपी गणेश में बोलेरो में कुछ लोग थे जो आगे आगे पुलिस की लोकेशन देखते हुए चल रहे थे, कहीं कोई पुलिस की चेकिंग तो नहीं लगी हुई है, लोकेशन लेके वो ट्रक वालों को सूचित कर देते थे तो वो अपना गाड़ियाँ निकालते थे, जहाँ कहीं पुलिस की चेकिंग दिखती थी तो वो गाड़ी रुकवा देते थे। इस तरह से बचते बचाते ये हमारे थाना बिस्टान में सूचना मिली और पुलिस अधीक्षक महोदय के हमारे सख्त निर्देश है गोवंश तस्करी जो होती है इस पर जो है अंकुश लगाने के लिए इस दिशा में पुलिस प्रयासशील थी। इस सूचना मिलने पे इसको तत्परतापूर्वक कार्रवाई कर इसको पकड़ा गया है और इसमें एक ट्रक और एक बोलेरो और 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें जो जिसका माल था जिनने भेजा था और जो खरीदने वाला है उनको ही मुलजिम बनाया गया है कि हम लोग उनको भी शीघ्र गिरफ्तार करके कार्रवाई करेंगे। माल मालिक था सर इसमें शामिल क्या? माल मालिक शामिल नहीं था, माल मालिक ने माल लूट करा के भेज दिया था। अच्छा, तो अपन ट्रकों को तो राजसात कराने की वाहनों को राजसात कराने की कार्रवाई करवा रहे हैं और माल मालिक और माल खरीदने वाले दोनों के खिलाफ अपन अपराध पंजीबद्ध किए हुए। सर ये गौवंश कहाँ से लाया जा रहा था और कहाँ जा रहा था सर उसमें? ये राजस्थान तरफ से ला रहे थे और महाराष्ट्र तरफ इधर ले जा रहे थे। लगातार सर चलेगी सर ये मुहिम? बिल्कुल लगातार चलेगी और हमारे प्रयास रहेगा कि ये बंद हो, पूरी तरह से बंद हो। जिसियाना न्यूज़ रिवार्ड रिपोर्ट बिस्टान।